मांडा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन के अंदर बजट को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई प्लान ही नहीं है कि आखिर वो बजट को किस तरीके से खर्च करेंगी। तो तमाम चीज़ों को उन्होंने लेकर के अपनी बातें रखी है, साथ ही साथ शिक्षकों की बहाली, नियोजन हो, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी है। सीधा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बात तो 60-40 की जो ये है प्रावधान है, उसी में आज मेरा भी सवाल था कि जो शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, जो 60% जो हम लोगों के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है, उसमें भी हम लोग अपने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। एसटी के लगभग आपके 2008 पद सरेंडर होने के कगार पे हैं, एससी के आपके लगभग 940 पद सरेंडर होने के कगार पे हैं। विशेष रूप से ऐसे विषयों में संस्कृत, अंग्रेजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइंस के लिए, तो जो 60% पहले तो सरकार का चिंता होना चाहिए, जो आरक्षित पद हैं उसमें हम लोग अपने लोगों को कैसे अकोमोडेट कर पाए। क्योंकि अगर कल ये पद सरेंडर हो जाते हैं तो जो आरक्षित, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, वो तक सरकार इनको नहीं दिला पाएगी। इसीलिए सरकार को मैंने अपने तरफ से ये मांग भी कहा किया है और सलाह भी दिया है कि इन वर्गों के लिए न्यूनतम मार्क्स को कुछ साल के लिए इसे घटाया जाए, कुछ परीक्षाओं के लिए इसे घटाया जाए, और साथ ही साथ इन्हें ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा जाए। आज हम लोग बात करते हैं 100% आरक्षण का, आज बात करते हैं 90% आरक्षण का, मगर जो अधिकार हमें संवैधानिक रूप से मिला है उसमें भी तो हम लोग अपने लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बजट पे जो आपने अंदर अपना बात रखा वो एक बार फिर से आप रखिए कि क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, बजट का सब मेरा जो आज भाषण था वो लगभग 15 मिनट का था, मगर मुख्य रूप से मेरा यही कंसर्न है कि आज जब पूरे देश भर का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, आज जिस तरह से रही अमीरी में और गरीबी में इतना बड़ा खाई है, उस खाई में आप गिरेंगे तो आप उभर नहीं पाइएगा, इतना बड़ा खाई है। और फॉक्सकॉन की जो रिपोर्ट आया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 87% जो राष्ट्र का संपत्ति है वो मात्र 10% शेष लोग के हाथों में है। इसका मतलब रिच इज़ ग्रोइंग रिचर, पुअर इज़ ग्रोइंग पुअरर। आज इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है कि आपका टमाटर का दाम 120 रुपया, जो पेट्रोल डीजल का दाम को भी पार कर गया है। गरीब के थाल में आज क्या है, ये बड़ा सवाल है। जो ऐसे हालात में अगर झारखंड जैसा राज्य अपने लिए हेल्दी फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेगा तो आने वाले समय में हम लोगों को GST जैसे पॉलिसीज का भार यहाँ इस राज्य में भी देखने को मिलेगा। एक तरीके से सटल तरीके से दिख ही रहा है और ये भार आगे बढ़ते जाएगा। इसके लिए हम लोग का क्या तैयारी है वो मायने रखता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने कार्यपालिकाओं का जो जवाबदेही, वित्तीय जवाबदेही होती है विधानमंडल के लिए, विधायकों के लिए, उसके लिए कई सारी समितियां बनाई हैं, संवैधानिक समितियां, एस्टिमेट कमेटी हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी हुआ, अन्य कमेटी, मगर आज ये कमेटी एक तरीके से डिफंक्ट पड़े हुए हैं। उसके सदस्य आते हैं, नहीं आते हैं, ये समिति कोई रिपोर्ट देती है, नहीं देती है। और इसी को मैं कहना चाह रही थी कि ये इतना गंभीर मामला है कि 2001 से लेके 2019 तक लगभग 4,000 करोड़ रुपया, कैग रिपोर्ट के अनुसार 4,000 करोड़ रुपया आज भी विधानमंडल से नियमितीकरण नहीं हो पाया है, रेगुलराइज नहीं हो पाया है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, बजट नहीं है, सच्चाई ये है कि इस राज्य के पास पैसा है, मगर इस राज्य में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के पास खर्च करने का ना प्लान है ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताकत है। देखिए, आज मैंने इस चीज़ को भी कहा कि सरकार हमेशा नेक इरादा से बजट को लाती है और वो इरादा आज यहाँ पे भी देखने को मिला। सुखाड़ की स्थिति हो या तमाम चीज़ों को लेते हुए आज अनुपूरक बजट को लाया गया, मगर मैं कह रही हूँ केवल जो सरकार होता है वो केवल एक अंग सरकार से ही नहीं चलता है, उसमें कार्यपालिका भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी उसका रोल होता है, एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है, समितियों का भी रोल होता है। आप केवल एक ही चीज़ तो केवल कर्मचारी अधिकारी आपकी नहीं सुनते, सरकार की नहीं सुनते, सरकार की मंशा कुछ और होती है, अधिकारी की कुछ और। आज जो मैंने रिपोर्ट दिया, आज मैंने जो डेटा दिया वो किसी एक सरकार का नहीं है,
यही मेरा आज जो मेरा बातों को रखने का जो ये था इंटेंशन था वो किसी एक सरकार को उंगली दिखाने का नहीं था, वो झारखंड राज्य को एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का मंशा था और उसी के तहत आज के आंकड़े और आज के एनालिसिस को प्रस्तुत किया गया। नियोजन हो, स्थानीयता हो, तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार इस विधानसभा सत्र में कई सारी सवाल जो है वो सत्ता पक्ष पूछे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि हम लोग इसको लेकर के पहल कर रहे हैं और पहले भी किया है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं खारिज करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार शिल्पी नेहा तिर्की ने भी निशाना साधा है, तो वहीं दूसरे बजट को लेकर के भी कई सवाल उन्होंने यहाँ पर खड़े किए। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।